दोस्तों एक दो दिन पहले मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि मैं किस तरह से अपने नाम को एक सिंबल और करेक्टर के साथ ऐड कर सकूं अपने गेम में। जो गेम खेलता था उसमें कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है। जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा जहाँ पे हमें कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं आता, हमें सिंपल टाइप ही करना पड़ता है। तो वो उसने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि मेरे को प्लीज बताएं। उसने मेरे को नेम और अपने स्पेशल करेक्टर लिख के दिए कि मेरे को ये ऐड करना है, ये स्पेशल करेक्टर मेरे कीबोर्ड में नहीं है, मैंने कहीं से कॉपी करे है, कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड किए है, मेरे को एक अपने नाम के साथ ऐड करना है, किस तरह से ऐड करूं, वहां पे कॉपी पेस्ट का नहीं आ रहा। तो मैंने उसको सोल्यूशन बताया कि किस तरह से वो ऐड कर सकता है। तो उसने ऐड कर लिया, उसने मेरे को थैंक यू भी बोला। तो फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि ना मैं एक वीडियो बना के आप सबको बताऊं। हो सकता है आप सब जानना चाहते हो कि किस तरह से हम अपने नाम के साथ सिंबल और वो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है उनको ऐड कर सकते हैं जहां पे कि कॉपी पेस्ट काम ना करता हो। बस इसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो देखनी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको करना है स्विफ्ट कीबोर्ड इंस्टॉल अपने एंड्रॉइड फोन में, ठीक है। अगर आपका पहले से है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो आपको स्पेशल करेक्टर या कोई सिंबल ऐड करना अपने नाम के साथ वो भी ऐड कर लें, कॉपी पेस्ट करके कहीं इंटरनेट से कहीं अपने दोस्त से जहां से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं वो ले लें। अभी दोस्तों आपने सारा सिंबल वो अपना नाम बना लिया स्पेशल करेक्टर के साथ, अभी क्या करना है आपको उसको एक बार कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर देना है, ठीक है। चाहे मैसेज में करो, व्हाट्सएप में करो, कहीं पे भी आपको एक बार कॉपी करके पेस्ट कर देना है स्विफ्ट कीबोर्ड यूज करते हुए। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जहां पे आपने अपना वो नाम डालना है जहां पे कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है वहां पे चले जाना है, ठीक है। उस पे टैप करना है जहां पे आपका नेम का ऑप्शन होता है, वहां पे टैप करने के बाद आपको क्या करना है, जो कीबोर्ड होता है स्विफ्ट कीबोर्ड होता है उसमें एक ऊपर साइड में एक पिन सी दिखी होती है, पिन के साथ ही एक क्लिपबोर्ड होता है उस पे क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे टैप करोगे क्लिपबोर्ड पे जो पिन के साथ है तो जो आपने कॉपी किया होगा उसकी पूरी लिस्ट आ जाती है वहां पे। तो पहले मैंने बताया था आपको कहीं पे भी कॉपी पेस्ट करके उसको एक बार रख दो, ठीक है। तो वो उसकी लिस्ट बनी हुई है वहां पे, तो वहां पे आपका वो नाम शो करेगा, आप वो डायरेक्टली उस नाम पे क्लिक करना है, वो वहां पे नाम की जगह फिल हो जाएगा, वहां पे जो आपने नाम डालना है वहां पे फिल हो जाएगा। उसके बाद आप सेव करके अपना नाम वहां पे परमानेंट सेव कर सकते हैं विद सिंबल और करेक्टर के साथ, स्पेसिफिक करेक्टर के साथ। तो इस तरह से दोस्तों ये वीडियो पूरी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दें। अगर इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। हम फिर मिलेंगे दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।